आज ही के दिन 1498 में वास्को डिगामा कालीकट के तट पर जमोरिन से पहली बार मिले। 1545 में आज ही के दिन शेर शाह सूरी का निधन हुआ था। शेर शाह ने हुमायूं को 1540 में हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य स्थापित किया था। 1540 से 1545 के अपने 5 साल के शासन के दौरान उन्होंने नई नगरीय और सैन्य व्यवस्था की शुरुआत की, पहला रुपया जारी किया, भारत की डाक व्यवस्था को संगठित किया और अफगानिस्तान में काबुल से लेकर बांग्लादेश के चटगांव तक ग्रैंड ट्रंक रोड को बनवाया। 1761 में आज ही के दिन अमेरिका के फिलाडेल्फिया में पहली जीवन बीमा पॉलिसी जारी की गई। आज ही के दिन 1772 में समाज सुधारक राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था। इन्होंने ब्रह्म समाज आंदोलन की शुरुआत की थी। राजा राम मोहन राय ने बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। राजा राम मोहन राय के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी सती प्रथा पर पाबंदी लगवाना। उन्होंने ही अपने अथक प्रयासों से सरकार द्वारा इस कुप्रथा को गैर कानूनी दंडनीय घोषित करवाया। उन्हें आधुनिक भारतीय समाज का जन्मदाता कहा जाता है। आज ही के दिन 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने यरूशलम में यहूदियों के राज्य की स्थापना का समर्थन किया। 1859 में आज ही के दिन स्कॉटिश लेखक और भौतिक शास्त्री सर आर्थर कैनन डायल का जन्म हुआ। 1906 में आज ही के दिन राइट बंधुओं ने अपने फ्लाइंग मशीन वायुयान के लिए अमेरिका से पेटेंट हासिल किया। आज ही के दिन 1933 में विश्व व्यापार दिवस पहली बार मनाया गया। आज ही के दिन 1936 में भारत के पहले स्टेडियम ब्रेबोर्न स्टेडियम का बॉम्बे में शिलान्यास हुआ। 1940 में आज ही के दिन अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित क्रिकेटर एस प्रसन्ना का जन्म हुआ। 1946 में आज ही के दिन पहली बार अमेरिका रॉकेट WAC कारपोल को अंतरिक्ष तक पहुंचाने में कामयाब हुआ। 1961 में आज ही के दिन ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरू किया गया और 1965 में पहला पुरस्कार दिया गया। 1963 में आज ही के दिन भारत की पहली ग्लाइडर रोहिणी ने उड़ान भरी। आज ही के दिन 1972 में रूस की यात्रा पर जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन बने। 1988 में आज ही के दिन भारत ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र अग्नि का सफल परीक्षण किया। 1992 में आज ही के दिन बोस्निया हर्जेगोविना क्रोएशिया और स्लोवेनिया संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुए। और आज ही के दिन 2010 में एयर इंडिया एक्सप्रेस बोइंग 737 मंगलोर में उतरते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें 158 की मौत हो गई।